हांसू आधी रात में नंगे पांव रोते हुए न जाने कहां जा रही थी। उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई और अगले ही पल वो उस गाड़ी में बैठकर चली गई। किसी को नहीं पता वो कहां गई और ना ही अब किसी को पता चलेगा। बॉक्सिंग कोच डोंगसू आज बड़े गुस्से में है। डोंगसू का स्टूडेंट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट आया था, फिर भी इस बुरी सी थूतके ने चीटिंग से उसे हरवा दिया। जिसके स्टूडेंट को चीटिंग से जिताया गया था उसे डोंगसू ने दो चार बात क्या कह दी वो तो गर्म सा होने लगा। डोंगसू ने दो मिनट में उसे ठंडा कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे उसने ठंडा किया है वो कोई और नहीं बल्कि बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। अब डोंगसू को बॉक्सिंग एसोसिएशन से बैन कर दिया गया। अब वो ना तो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकता था और ना ही उसके स्टूडेंट्स उसके अंडर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब बेरोजगारी के ऐसे बुरे समय में सरकार नहीं बल्कि इसकी दीदी काम आई, जिसने इसे शहर से थोड़ी दूर एक स्कूल में जिम टीचर की नौकरी दिलवा दी। ये वहीं जा रहा था पर रास्ते में इसका टायर खराब हो गया। मुझे लगा ये अब फूंक मारकर हवा भरेगा, पर फिर याद आया कि ये साउथ कोरियन मूवी है, साउथ इंडियन नहीं। इसके बाद इसकी नजर पास में लगे बोर्ड पर गई। यहाँ पर शुरू में जो लड़की दिखाई गई थी उसकी फोटो लगी हुई थी। पिछले कुछ टाइम से लड़की लापता है, पता नहीं किसने इस लड़की के पोस्टर पर रानी लिख दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात। हमारा बॉक्सर बहुत शरीफ आदमी है, वो तुरंत इस वर्ड को मिटाने लगा। अरे अरे आराम से भाई। डोंगसू के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ आते ही इसने सबसे पहले क्या देखा कि तीन लड़की मिलके एक लड़की को बुली कर रही है। ये है किम, ये हांसू की बेस्ट फ्रेंड है। इस विलेज में एक लौती है जो हांसू को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इन छपरियों ने हांसू का पोस्टर फाड़ा था इसलिए किम इनसे भिड़ गई। डोंगसू ने यह देखा तो वो यहाँ पर नेता बनने आ गया। ए बच्चा बाल्टी, लड़ाई बंद करो और घर जाओ। ओ हेलो अंकल, आपसे किसी ने मदद मांगी क्या? दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। लेकिन तुम तीनों मिलके इसे परेशान कर रही हो। आप दूर से देख के लोगों को जज नहीं कर सकते। डोंगसू भी लाइक इसके बाद किम हांसू के घर उसकी दादी से मिलने जाती है। हांसू के जाने के बाद अब किम ही उसकी दादी का ख्याल रखती थी। दादी हर वक्त इसी बात को लेकर चिंता में रहती कि हांसू इस वक्त न जाने कहाँ होगी और किस हाल में होगी, उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। हांसू की बनाई हुई पेंटिंग देखकर किम उसकी यादों में खो गई, जहाँ वे दोनों बहुत खुश थी। तुम हमेशा बटरफ्लाईज की पेंटिंग क्यों बनाती हो? क्योंकि वे आजाद है। मैं भी बड़ी होकर ऐसी बनना चाहती हूँ जैसी बटरफ्लाईज होती है। मैं खुलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ। घर जाते वक्त किम का कोई पीछा कर रहा था, वो तो शुक्र है टाइम से बस में बैठ गई। तुम्हें साईं जिम के साथ बच्चों से फीस भी निकालनी है, क्या तुम ये कर सकते हो? सर मैं पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए पैसे वसूलता था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों से पैसे लेने में। A few moments later. हे सुनो, तुमने अभी तक फीस जमा नहीं करी। कर दूंगी। फीस नहीं दी तुमने अभी तक? खाना तो खाने दो सर। सर पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों से पैसे लेने में। डोंगसू का पहला दिन स्कूल में बहुत बुरा जा रहा था। सब उसे क्रीप समझ रहे थे। एक तो उसका शरीर इतना तगड़ा, बच्चियों ने तो उसका निकनेम भी गोरिल्ला रख दिया था। बाथरूम में बाथरूम करते हुए उसे किम दिख गई जो स्कूल बंक कर रही थी। वो उसके पीछे पीछे मार्केट तक चला गया। वहाँ पहले उसने पेट पूजा की, हाँ ये कर लो पहले, फिर उसे खिलौने जीतने वाला गेम दिख गया। किम ने भी उसे गेम खेलते हुए देख लिया। वो एक खिलौना जीत के खुश तो ऐसे हो रहा था जैसे उसने क्या ही अचीव कर लिया हो। इससे हमें पता चलता है कि डोंगसू बाहर से कितना ही सख्त हो मगर अंदर से वो बिल्कुल बच्चा है। पास में ही पॉलिटिशियन जैंग आने वाले इलेक्शंस के लिए स्पीच दे रहा होता है। वहीं डोंगसू की नज़र किम पर पड़ी, वो उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास आ गया। किम यहाँ हांसू के बारे में पता करने आई थी। ये जगह अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर्स और प्रोस्टिट्यूट्स का आना जाना लगा रहता है, इसलिए इन लोगों ने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा। तभी डोंगसू भी यहाँ पर आ गया। किम जबरदस्ती ऊपर चली गई, डोंगसू भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने फुल बदमाशी दिखाते हुए लड़की का हाथ पकड़ा और उसे यहाँ से ले गया। डोंगसू उसे घर तक छोड़ने वाला था मगर वो बीच रास्ते में उतर गई। अब किम यहाँ से पैदल घर जा रही थी। ये कार किम का पीछा कर रही होती है। एक बार को लड़की ने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल उस कार में से एक नकाबपोश आदमी उतरा और उसने किम को बेहोश कर दिया।
किम का फोन डोंगसू की कार में छूट गया था, इसलिए वो उसका फोन वापस देने के लिए वहीं आ जाता है। इससे पहले कि नकाबपोश आदमी किम को किडनैप करता, डोंगसू वहां गया। डोंगसू को देखकर नकाबपोश वहां से भाग गया। अब ये हॉस्पिटल आ गए, पुलिस भी यहां पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर इस घटना को लेकर कुछ सीरियस नहीं लग रहा था, और जब किम ने कहा कि वो नकाबपोश आदमी उन्हीं लोगों ने भेजा होगा जिन्होंने हांसू को किडनैप किया था, इस बात को तो पुलिस वाला और हल्के में लेने लगा कि हाँ कार्रवाई चल रही है। ये कहकर उसने हांसू वाले केस को टाल दिया। जब डोंगसू ने अपने हवलदार दोस्त से पूछा कि पुलिस हांसू के केस को लेकर कुछ कर क्यों नहीं रही, हवलदार ने उसे बताया कि हांसू के केस में अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज ही नहीं हुई, इसलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही और ना ही कोई उन पर एक्शन लेने का दबाव है। इसलिए डोंगसू ने खुद एक ऑफिशियल मिसिंग कंप्लेंट लिखी और उस पर हांसू की दादी के साइन करवा के अपने पुलिस वाले दोस्त को दे दी। अब वो वापस स्कूल आ जाता है। यहाँ डोंगसू साइड में बैठे आर्ट टीचर को नमस्ते करता है और आर्ट टीचर का रिएक्शन ऐसा है जैसे डोंगसू ने उसे गाली दे दी हो। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, अब तुम्हें खतरा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस हांसू को ढूंढ लेगी। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हांसू आपकी कुछ नहीं लगती, बताइए अगर वो आपकी बेटी होती तो क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते थे? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं हांसू को ढूंढ के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर किम यहाँ से चली गई। वो बेचारी बहुत उदास थी और उसे सहारा देने आर्ट टीचर पहुंच गया। आर्ट टीचर से बात करके किम को अच्छा लग रहा था, पर ये डोंगसू को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो आर्ट टीचर को पसंद नहीं करता। तभी डोंगसू की नज़र एक खिड़की पर पड़ी जहाँ से धुआं निकल रहा था। वो लड़कियों को धप्पा करने गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया। डोंगसू सिगरेट ढूंढता रह गया और इतने में लड़कियाँ चली भी गई। सिगरेट तो मिली नहीं, पर उसे वहाँ पर कैमरा मिल गया। वो ये बात प्रिंसिपल को बताने पहुंचा तो प्रिंसिपल उसकी बात सुनने से पहले उसे ही डांटने लगा, वो भी हांसू की बात को लेके, क्योंकि डोंगसू ने हांसू की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जो प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा। प्रिंसिपल के हिसाब से इससे स्कूल की बदनामी होगी। इतनी गालियाँ सुनने के बाद डोंगसू ने कैमरे वाली बात अपने तक ही रखी। अकेले में उसने कैमरे की फुटेज देखी सिर्फ ये जानने के लिए कि कैमरा लगाया किसने है। ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने बच्चों वाले सीन स्किप कर दिए। अब डोंगसू को पता चल चुका था कि ये कांड किसने करा है। वो भागा भागा अपने कैबिन में आया और आर्ट टीचर का लैपटॉप चेक करने लगा। उसकी नज़र चैट्स पे गई, आखिरी बार हांसू ने इसी आर्ट टीचर से बात करी थी, यही उसे लेने ब्रिज पे गया था, और उसके बाद से ही हांसू लापता है। डोंगसू ने किम को फ़ोन किया और आर्ट टीचर के बारे में सब बता दिया, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम किम आर्ट टीचर के साथ उसी की गाड़ी में बैठी थी। उसने डोंगसू को टेक्स्ट करके अपनी लोकेशन बता दी। किम में ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है, ये नहीं कि डोंगसू के आने का वेट कर लूँ, यही आर्ट टीचर से हांसू के बारे में पूछने लगी और फिर प्रसाद लेके शांत हो गई। आर्ट टीचर इसे अपने घर ले आया था, इसकी बातों से लग रहा था जैसे कि किम को लाइक करता हो। दूसरी तरफ डोंगसू भी यहाँ पहुँच गया था। बाहर वाला दरवाज़ा बंद था तो वो कूद कर अंदर आ गया। उसने किम को खिड़की से देख लिया था। डोंगसू ने अपने मुक्कों से दरवाज़ा तोड़ दिया। अब आर्ट टीचर की फट रही थी। डोंगसू ने एक गुस्से में इसे बेहोश कर दिया। अब ये डोंगसू के सामने हाथ जोड़ता है इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट ना करे। डोंगसू ने इसे सारी बातें शॉर्ट में बताने के लिए कहा क्योंकि उसके बाद डोंगसू को पुलिस रिपोर्ट भी तो करनी थी। तुम्हारे पास हांसू का फ़ोन कैसे आया? उस रात हांसू ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। वो बहुत परेशान लग रही थी, उसके शरीर पे चोट के निशान भी थे। वो पेट्रोल पंप पे उतर गई और उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग मुझे लेने आ रहे हैं, आप अब जा सकते हो। मुझे कुछ नहीं सूझा उस टाइम पर और मैं वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैं वापस पेट्रोल पंप पर आ गया, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वहीं के बाथरूम में मुझे उसका फ़ोन मिला, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद आर्ट टीचर को जेल में डाल दिया गया। इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस वाला ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हांसू को किडनैप किया गया है। हांसू का जिक्र होते ही पुलिस वाले ने बात ख़त्म कर दी। डोंगसू के जाने के बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाला किसी को फ़ोन करके सावधान रहने के लिए बोलता है। इससे ये तो पता चलता है कि किडनैपिंग किसी और ने ही करी है और ये पुलिस वाला भी उससे मिला हुआ है। इसके बाद स्कूल का चेयरमैन, जो कि सेम पॉलिटिशियन है जो इलेक्शंस के लिए स्पीच दे रहा था, उसने डोंगसू को स्कूल से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हांसू के केस के बारे में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। इसके बाद डोंगसू के पुलिस वाले दोस्त ने उसे बुलाया। पुलिस को हांसू की डेड बॉडी मिल गई थी। किम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए बहुत रोई। पहले कम से कम उसे उम्मीद तो थी कि हांसू मिल जाएगी, लेकिन अब तो उसकी दोस्त हमेशा के लिए उसको छोड़ के चली गई। डोंगसू समझ रहा था कि अब किलर किम को अपना निशाना बनाएगा, क्योंकि इस वक्त किलर को सिर्फ किम से खतरा था। दूसरी तरफ डोंगसू के पुलिस वाले दोस्त को दिखाते हैं जिसने चेयरमैन के मुंह से कुछ ऐसा सुन लिया
जो उसे शायद नहीं सुनना चाहिए था। इसके बाद उसने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसने हांसू का फोन निकाल के उसे रिपेयर करा दिया। फोन ठीक होने के बाद जब उसने कॉल हिस्ट्री देखी तो उसे एक लड़की का नंबर मिला। वो डोंगसू को उस लड़की के बारे में बता ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद डोंगसू बाहर जाकर उस लड़की से मिलता है जिसका नाम पुलिस वाले ने लिया था। उस लड़की ने शुरू में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन थोड़ा दबाव डालने के बाद उसने बताया कि हांसू यहाँ गाना गाने आती थी। जिस रात वो गायब हुई उस रात बार में पॉलिटिशियन जैंग, बार का ओनर और पुलिस वाला मौजूद था। परफॉर्म करते टाइम हांसू के पास हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसकी दादी बहुत बीमार है और उसे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। उसने बार के ओनर से जाने की परमिशन मांगी तो ओनर ने अपनी ठरक दिखा दी। बुड्ढे को ना अपनी उम्र का ख्याल और ना ही सामने वाले की उम्र का, ऐसे बुड्ढों को अपनी ठरक में निपट जाना चाहिए। खैर वो बुड्ढे के नकली दांत तोड़कर भाग गई। इसके बाद बार के लोग उसे ढूंढने में लग गए। इस लड़की को बस इतना ही पता था। अब बार ओनर के आदमियों ने डोंगसू पे हमला कर दिया। डोंगसू ने बिना वॉशिंग पाउडर निर्मा के एक एक को धो डाला। अब ओनर का मेन बंदा बचा था। डोंगसू ने उसे धमकाते हुए पूछा कि तुमने हांसू को क्यों मारा। उसने बताया कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि जब वो मुझे मिली तो वो मरी हुई थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि पॉलिटिशियन जैंग के लड़के ने मारा था। आर्ट टीचर ही पॉलिटिशियन जैंग का लड़का है, ये बात किसी को नहीं पता थी। वो हांसू से प्यार करता था, लेकिन जब हांसू ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो आर्ट टीचर ने अपना इंतकाम ले लिया। डोंगसू को पुलिस वाले से पता चला कि आर्ट टीचर पुलिस स्टेशन से छूट चुका है। अब डोंगसू समझ गया कि किम इस वक्त खतरे में है, इसलिए वो सीधा आर्ट टीचर के घर की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ आर्ट टीचर ने किम को किडनैप कर लिया और उसे एक दूसरी लोकेशन पर ले गया। वहां उसका पॉलिटिशियन बाप भी आ गया। हालांकि आर्ट टीचर ने किम को छुपा दिया था। टीचर का बाप उसे कोसने लगा क्योंकि उसकी वजह से पॉलिटिशियन को अपनी इमेज खराब होने का डर था। इमेज खराब हो गई तो फिर पेट्रोल पंप पे हंसते हुए चेहरे के साथ फोटो कैसे लगेगी। आर्ट टीचर कहने लगा कि हांसू की मौत के जिम्मेदार आप हो ना कि मैं। इसके बाद पता चलता है कि उस रात जब आर्ट टीचर का बाप पहुंचा तब तक हांसू जिंदा थी। पॉलिटिशियन को लगा कि अगर ये जिंदा रहेगी तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी और फिर पेट्रोल पंप पे मेरी फोटो नहीं लगेगी, इसलिए उसने गला दबा के हांसू को मार डाला, सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, या कहो झूठी रेपुटेशन बचाने के लिए। पॉलिटिशियन के जाने के बाद किम ने स्प्रे से टीचर पर हमला कर दिया और वो बाहर भाग गई। लेकिन उसे पकड़ने में टीचर को ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो उसे मारने ही वाला था तभी डोंगसू आ गया। इसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही है। भाई की चौड़ है भाई का कहर है। 2 मिनट में इसे ठोक पीट के लड़की को हॉस्पिटल ले गया। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत गया था। ये देखकर भाई का माथा पिनक गया। उसने मेन रोड पर पॉलिटिशियन की कार में अपनी कार घुसा दी। पहले तो उसने ड्राइवर को पेला, इसके बाद वो पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ने लगा। पॉलिटिशियन की सारी पावर भाई के सामने धरी की धरी रह गई। अगली सुबह पॉलिटिशियन और पुलिस इंस्पेक्टर की खबर देश की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। पॉलिटिशियन को हांसू के मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिरी सीन में डोंगसू को दिखाते हैं जो किम के सिराने अपना टॉय रख के चला गया जो उसने क्लो मशीन से जीता था। इसके बाद डोंगसू एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और डोंगसू के लिए एक लाइक तो बनता है। दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए खुद को उनकी तकलीफों में झोंक दिया है तो जिंदा हो तुम।